अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यूनिट 18 वेरिएशन चैप्टर है क्लास 10 का, उसकी एक्सरसाइज 18.1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो एक्सरसाइज 18.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, तो आपको ये बेसिक एक्सरसाइज है वेरिएशन की, तो आपको ये लाजमी देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रेशियोज निकालने हैं। रेशियो होता क्या है, कंपेरिजन होता है टू क्वान्टिटीज के दरमियान, मतलब दो क्वान्टिटीज अगर आप दी हुई हैं तो ये उसके दरमियान क्या होता है, कंपेरिजन होता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर केजी और केजी दिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान क्या कंपेरिजन है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर कंपेरिजन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 70 kg एंड 28 kg। हम रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन 70:28। 70 को मैंने ऊपर लिख दिया और 28 को मैंने नीचे लिख दिया है। अब मैं इनको डिवाइड करूंगा, डिवाइड का मतलब कट कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को कट करता हूँ, जैसे मैं 2 के टेबल से कट कर 2 1 2, 2 4 8, यहाँ पर भी क्या करूँगा, 2 6, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, अब हम इसको किस टेबल से कट करेंगे, हम इसको कट कर देते हैं दोबारा से। 7 2 14 हो गया यहाँ पे, और 7 5 35, इससे ज्यादा एक कट नहीं हो सकता। तो 5:2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने लिखा 70:28 इक्वल टू, जो वहाँ पर कट की वैल्यू जो आंसर आया 5:2। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है 60 cm और 1 m। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास मैंने आपसे बोला था रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटीज के दरमियान जो होता है कंपेरिजन होता है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों क्वांटिटीज जो होना चाहिए उनका यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब यूनिट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे केजी दिया हुआ है, यहाँ भी केजी है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ 1 m, तो पहले इनकी मुझे यूनिट को सेम करना होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा, सिंस जैसे कि हम जानते हैं कि 1 m इक्वल किसके होता है, 100 cm के बराबर होता है। 1 m में 100 cm होते हैं, देयरफॉर अगर आप देखें 60 cm है यहाँ पे, कितने सेंटीमीटर, 60 cm है, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे यहाँ पर, 100 cm हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, कैसे किया मैंने इसको, 1 m में 100 cm है, 1 m में 100 cm है, सो मैंने यहाँ पे लिखा 1 m। 1 m में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 cm होते हैं, तो 1 m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 cm लिख सकता हूँ ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा 60 cm, और 1 m की जगह मैंने लिख दिया 100 cm, क्योंकि 1 m में 60 cm होते हैं, क्योंकि मैं सेंटीमीटर मैंने एक यूनिट बना ली है। अब मैंने लिखा 60:100, 60 को डिवाइड कराऊंगा 100 से, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सवाल, 60:100 cm, 60:100 cm जो आप बस दिया हुआ है उसका आंसर क्या आ रहा है, 3:5 के इक्वल है। ऐसा ही है ना, सेकंड आप पास दिया हुआ है 4 सेकंड और 3 मिनट, 4 सेकंड और 3 मिनट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आप लिखा सेंस 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, सो मैंने 40 सेकंड एज लिख दिया यहाँ पे। 3 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो हम क्या करेंगे, को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से। जैसे यहाँ पास दिया हुआ है, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट को मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से, तो यहाँ पे 60 सेकंड होते हैं, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड। 2 मिनट को मल्टीप्लाई कराऊंगा 60 से, तो क्या हो जाएगा, 120 सेकंड। 3 मिनट को मल्टीप्लाई कर लूँगा किससे, 60, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 180 सेकंड। तो 3 मिनट के अंदर 180 सेकंड होते हैं, तो मैंने 180 सेकंड लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब लिखूंगा 40/180 इज इक्वल टू, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 9 18, 2/9 आ जाएगा। सवाल क्या था, 40 सेकेंड और रेशियो 180 सेकेंड, ठीक है ना, 3 मिनट में 180 सेकेंड होते हैं, 180 सेकेंड इज इक्वल टू 2 रेशियो डिवाइड करने का 9, तो यहाँ पास क्या आ गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, 200 ml इक्वल एंड 2 l। सो पहले मैंने लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2000
मिलीलीटर के अंदर, ऐसा ही है ना। सो मैं ये कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि आपको ये पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 क्या होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर, मैंने यहाँ पे लिखा 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं वहां पर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ऐसा ही है ना। अब 2 लीटर में कितने होंगे, इसको डबल कर लेना, 2 लीटर में कितने हो जाएंगे 2000 मिलीलीटर होंगे, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लीटर है तो मैंने 2 मल्टीप्लाई पे किससे कर दिया, 1000 से करूंगा, 2000 क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। अब मिलीलीटर ये हो गया, ये भी क्या हो गया, मिलीलीटर हो चुका है। सो मैंने यहाँ पे लिखा 200 डिवाइड बाय, और यहाँ पे 2 लीटर में कितने हैं 2000 मिलीलीटर, ऐसा ही है ना। अब देखो 2 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 1 2 2 10 से क्या हो जाएगा 20, तो 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 200 मिलीलीटर, 200 रेशियो 2000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 रेशियो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोले, डिग्री पहले ही कन्वर्ट है, सिंपल सिंपल डिवाइड करना है। सॉल्यूशन लिखा 135 डिवाइड बाय 360, क्योंकि दोनों की क्या यूनिट सेम है। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कराऊंगा, डिवाइड कराने के क्या 3 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। किस तरह डिवाइड करा रहा हूँ ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कराऊँ 5 से, 5 से डिवाइड को आए थे तो 5 से कट करेंगे, यहाँ 5 2 10 10 ले लेते हो, यहाँ बराबर में कैरी किया जाएगा 3 चले जाएगा, 3 बराबर में कैरी चले गया, 3 और 5 हो गया 35 हो गया, 5 7 से क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसी तरह से 5 7 और 35, ये 35 वैल्यू ले रहा हूँ, बराबर में कैरी किया जाएगा 1 जाएगा, 5 7 से 5 2 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। अब मैं इसको कट कर देता हूँ 3 से, 3 9 से क्या होता है 27 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2 6 बराबर में कैरी गया, अपन 3 6 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऐसा ही है नहीं है, 3 4 12, ठीक है, 3 4 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब दोबारा 3 से कर देते हैं, 3 3 9, 3 8 24, तो 3 डिवाइड बाई 8 क्या हो गया, यहाँ पर रेशियो आ चुका है, इससे ज्यादा कट नहीं हो सकता। सो मैंने यहाँ पर लिखा 135 रेशियो 360 इज इक्वल टू 3:8 के इक्वल होता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केजी दिया हुआ है और यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना होगा, हमें ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। ये तो ग्राम को केजी में करो, ये केजी को ग्राम में करो, हमें एक यूनिट कन्वर्ट, एक यूनिट बनानी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे देखा कि हम एक काम ये करते हैं, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम बोले ग्राम, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने ग्राम में किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, आप देखें यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है। जब भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है किसी वैल्यू को, तो हम केजी को तो हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000, तो वो ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 5 kg भी ग्राम ग्राम में चाहिए, तो 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 से, तो क्या आ जाएगा 5000 ग्राम हो जाएगा। ये वैल्यू ग्राम में आ गई, ये वैल्यू ग्राम में आ गई, अभी ये वैल्यू क्या हो गई, ये भी ग्राम में, तो ये दोनों वैल्यू तो एक हो गई। तो मैं पहले इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेता हूँ, 5 kg में कितने ग्राम होते हैं 5000 ग्राम, 5000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस का साइन, 200 ग्राम था ग्राम में, यहाँ पे ऐड कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 5200 ग्राम वैल्यू आएगी। सो मैंने यहाँ पे लिखा 3500 ग्राम रेशियो 5200 ग्राम, जो एक साइड पे था वो मैंने लिख दिया। अब मैं इनको डिवाइड करवाता हूँ वैल्यू को, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो 2 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, जितना हो सकता है डिवाइड कर दिए, 35 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 52 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो ग्राम में वैल्यू होती 3500 ग्राम रेशियो 5200 ग्राम इक्वल टू किसके होगा 35 डिवाइड रेशियो 52 के। सो यहाँ पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन्स एंड रिमेनिंग आर मैन। मतलब ये वो कहना ही चाह रहे हैं, 120 वर्कर्स काम करते हैं, इसमें से 45 जो है वुमेन्स है। अगर 45 वुमेन्स है तो मैन कितने होंगे, ये भी आपको पता है, मैन कितने होगा 75 होगा, जो 75 प्लस 45 कितने होते हैं 120 होते हैं। हमें बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो निकाल लें मैन एंड वुमेन का, मैन वुमेन और मैन का, वुमेन और टोटल वर्कर का, और मैन और टोटल वर्कर का। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखा कितने वर्कर्स थे 120 थे, उसके बाद वुमेन्स कितनी थी 45 थी,
और मैन कितने 75 होंगे, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा टोटल वाला कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली कितने होंगे मैन 75 होंगे। अच्छा जी, अब पहला रेशियो क्या है मैन और वुमेन का, तो मैंने यहाँ पर लिखा मैन रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन कितने 75 रेशियो 45, तो मैं 75 डिवाइड बाय 45 कर दिया। अब मैं इस वैल्यू कट कर देता हूँ, किससे कट करूंगा 5 से कर देते हैं, 5 9 45, 5 2 10, सॉरी 5 1 क्या हो जाएगा 5, बराबर में कही जाएगा 2, 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरह अब किससे होगा 3 से होगा, 3 3 9, 3 5 15, तो 5 डिवाइड बाय यहाँ पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 75 रेशियो 45 इक्वल किसके होगा 5:3 के। अब हमें रेशियो निकालना है वुमेन और मैन का, तो वुमेन हमारे पास कितनी है, वुमेन थी हमारे पास कितनी 45, वुमेन कितनी है 45 है लिखा है वुमेन 45, और मैन कितने 75 है, तो 45 को डिवाइड कराऊंगा 75 से, जिस तरह मैंने इसको डिवाइड कराया उसी तरह मैं इसको भी डिवाइड कराऊंगा, लेकिन अब की बार 3 ऊपर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हमें यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा 45:75 किसके इक्वल होगा 3:5 के। नेक्स्ट हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 पार्ट के अंदर वुमेन और टोटल वर्कर का, वुमेन और टोटल वर्कर का हम किस तरह निकालेंगे, तो मैंने लिखा रेशियो ऑफ वुमेन और टोटल वर्कर, वुमेन कितनी है 45 और टोटल वर्कर कितने हैं 120, तो 45 को डिवाइड करवा देता हूँ 120 से, तो किस तरह कराऊंगा 5 से करवाया था 5 9 45, सही है 5 5 2 10, बराबर में 2 कह गया 5 5 4 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है 3 3 9, 3 7 3 8 24, तो 3 डिवाइड बाई 8 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 45:120 इक्वल किसके होगा 3:8 के होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, इसे मैन को टोटल वर्कर से निकालना है, सो मैंने यहाँ पर लिखा रेशियो ऑफ मैन एंड टोटल वर्कर, 75 हमारे मैन थे और टोटल वर्कर कितने 120, 75 को डिवाइड कराऊंगा 120 से, वही वाली कंडीशन जिस तरह मैंने पीछे डिवाइड करवाया था उसी तरह आप डिवाइड करवाएंगे, तो 5 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 75:120 इक्वल किसके होगा 5 डिवाइड बाई 5:8 के इक्वल होगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ 5 ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस का 2y दिया हुआ इज इक्वल टू 3x माइनस का 4y इक्वल किसके है, 5 करना है हमें, फाइंड करना है हमें x रेशियो वाई का मतलब क्या हुआ, हमें x रेशियो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई फाइंड कर देते हैं कोई इशू नहीं है, मतलब x डिवाइड बाय वाई मुझे निकालना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 5 को डिवाइड कर लिया 4 से, 5 4 20x, 5 2 10y, ठीक है इज इक्वल टू 3x माइनस का 4y मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं x की वैल्यू को एक जगह कर लेता हूँ, प्लस का 3x से इज इक्वल टू से पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैं साइन चेंज कर दूंगा। इसी तरह माइनस का 4y एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस का 10y इज इक्वल टू बाद आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू को मैं ऐड करवा सकता हूँ, इन दोनों वैल्यू को तो ऐड नहीं करवा सकता ना, तो मैंने x की वैल्यू को एक जगह कर लिया। अब 20 - 3 क्या हो जाएगा 17x हो जाएगा, माइनस का 4y प्लस का 10y, माइनस प्लस माइनस कराओगे तो क्या आएगा 6y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, y यहाँ पे देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, y यहाँ पे क्या हो रहा है 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू से पहले आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 6:y इक्वल किसके होगा 6:17 के होगा, ये हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ द रेशियोज, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 3a+4:2a+5 एंड 4:3 आर इक्वल। अच्छा जी, हमसे क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है इसमें से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, सो मैंने यहाँ पे लिखा 3a+4:2a+5 और ये इक्वल किसके है 4:3 के इक्वल है। रेशियो मतलब क्या होता है डिवाइड करना, मैं 3a+4 को डिवाइड कराऊंगा 2a+5 से इज इक्वल टू, और 4 डिवाइड किससे होगा 3 से होगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू से पहले आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यू से, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू डिवाइड हो रही है पूरी 2a+5 यहाँ पे आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, 3 3 9a, 3 4 12 इज इक्वल टू, 4 2 8a,
फोर फाइव सा 20। अब मैं एक ही वैल्यू को एक जगह कर लेता हूँ, 9 ने एजेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, 8 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू, से पहले प्लस का 12 है यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 प्लस का ही है जिसको मूव कराएंगे उसका साइन चेंज करना है। 9 ए में से माइनस कराऊंगा 8 है तो वहाँ पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। 20 में से माइनस कराऊंगा 12 को तो आ जाएगा 8। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू क्या होगी वहाँ पास 8 है। तो यहाँ पास क्या होगी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर है जो ऐड हो रहा है किससे, यहाँ पे हर वैल्यू से, मतलब ये कि लेट एक वो नंबर मुझे पता नहीं वो नंबर है क्या, तो वो नंबर पहले तो मैं फाइंड करूंगा, ठीक है। उसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमारे पास जो कंडीशन हमारे पास दी है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर है मस्ट, देयर व्हाट नंबर, क्या कौन सा नंबर होगा, मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, मतलब वो जो नंबर है वो हर टर्म से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब वो नंबर मुझे पता नहीं है तो मैं पहले वो नंबर को एक नाम दे देता हूँ, नाम देता हूँ मैं ए का, तो 5 के साथ ही मैं ए को प्लस करूंगा, रेशो 27 के साथ भी ए को प्लस करूंगा, इक्वल का साइन इक्वल लगा दिया, 1:3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। सो दोनों वैल्यू से क्या होगा, ए ऐड होगा, इन वैल्यू से नहीं होगा, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे ए से मैंने उसको ऐड करवा रहा है, अच्छा जी मैंने यहाँ पे रेशियो का दिया और डिवाइड वैल्यू आएगी 5 प्लस का ए डिवाइड बाय 27 प्लस का ए इज इक्वल टू 1:3। अब देखिए वही वाली कंडीशन, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू, से पहले आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 प्लस का ए पूरी वाली डिवाइड हो रही है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 5 से क्या हो जाएगा 15, 3 ए से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 1 27 से मल्टीप्लाई होगा 27 ही रहेगा, 1 ए से होगा तो ए ही रहेगा मल्टीप्लाई होने के बाद भी। अब क्या होगा, हम एक ही वैल्यू को एग्जा कर लें, 3 है दैट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस का ए इज इक्वल टू के बाद लेके आऊंगा तो माइनस का ए हो जाएगा, 27 है दैट इज ऐसी इज इक्वल टू के साथ 27 प्लस का 15 इज इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 27 माइनस 15 क्या होता है 12, 3 ए में से माइनस कराऊंगा ए को तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के बाद आगे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 2 6 12, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी, थस द रिक्वायर्ड नंबर इज 6। सो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड नंबर कौन सा आ गया, 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:8 के इक्वल है, ठीक है, हमें इसी ए और बी बता रहे हैं, फाइंड द वैल्यू। अब की बार जो हमें वैल्यू निकालनी है वो 3a प्लस का 4b रेशो 5a प्लस का 7b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, सिर्फ हमें ये रेशो बता रहे हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:8 के, सो ए डिवाइड बाई बी कर देता हूँ, इसको 5:8 कर दूंगा, ऐसा ही करूंगा ना। उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, उसके बाद मैंने लिखा है नाउ 3a प्लस का 4b रेशियो 5a प्लस का 7b, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, रेशियो दिया हुआ है डिवाइड के इस तरह से लिख दूंगा। अच्छा मुझे जो है ये वाली वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो मैंने यही वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप है मैंने अप्लाई किया है डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी, मतलब क्या हुआ मैं इसकी हर वैल्यू को डिवाइड कराऊंगा किससे, बी से डिवाइड कराऊंगा, 3a को डिवाइड कराऊंगा b से, 4b को डिवाइड कराऊंगा b से, 5a को डिवाइड कराऊंगा b से, और b को डिवाइड भी कराऊंगा b से। अब देखें क्या होता है, यहाँ पे b से भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b से भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 3a डिवाइड बाय b प्लस का 4 बचेगा यहाँ पे, 5a डिवाइड बाय b बचेगा यहाँ पे, और प्लस का 7 बचेगा, यही वाला स्टेप आएगा पूरा का पूरा, यही स्टेप बचेगा ना। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अगर आप नोट करें a डिवाइड बाय b किसके इक्वल होता है, हमने पीछे पढ़ा भी था, अगर आप देखें यहाँ सवाल में दिया हुआ भी किसके इक्वल होता है, a डिवाइड बाय b हमारे पास 5:8 के बराबर होता है, ऐसा ही होता है ना, 5:8 के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। सो मैंने वही चीज़ यहाँ लिखी है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 5:8, a और a डिवाइड बाय b की जगह 5:8, a डिवाइड बाय b की जगह 5:8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 3 5 15 8 प्लस का 4, 5 5 25 8 प्लस का 7, ये स्टेप हो गया, इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, 4 के नीचे क्या है 1 मौजूद है, 7 के नीचे क्या मौजूद है 1 मौजूद है, अगर मैं इनका 1 और 8 का एलसीएम लूंगा तो 8 आएगा। अब 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि 8 आ जाए, तो 8 से ही करवाऊंगा, इसी तरह ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 15 प्लस का 8 4 8 से क्या होगा 32 हो जाएगा डिवाइड बाई 8, इसी तरह
एट और वन का एलसीएम लूंगा तो एट आएगा। ए वन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि एट आ जाए, यहाँ एट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ऊपर भी एट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 25 एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो क्या आएगा, 56 आ जाएगा। 15 प्लस 32 क्या होता है यहाँ पास, 47 डिवाइड बाई 8, 25 प्लस 56 क्या होता है, 81 डिवाइड बाई 8। अब ये जो वैल्यू होती है 8 यहाँ डिवाइड हो, इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, 47 मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली से 8 से, और 81 मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ही है ना, रेसिप्रोकल हो रहा है ये, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे करी है, 47 मल्टीप्लाई बाई 8, 81 मल्टीप्लाई बाई 8, सही है। तो 8 से 8 बनता है, 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 47 डिवाइड बाई 81 हमारे पास ये बचेगी वैल्यू। सो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 3a प्लस का 4b रेशियो 5a प्लस का 7b इक्वल किसके है हमारे पास, 47 रेशियो 81, जिसे हम बोलते हैं 47 डिवाइड बाई 81। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, ये सवाल स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ तो लाजमी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि इससे एक अप्रिसिएशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ। अच्छा, एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे क्या बोल रहे हैं, एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, उसका क्वेश्चन नंबर पार्ट वन है हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास दो रेशियो दिए हुए, एक रेशियो ये है, दूसरा रेशियो ये है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पूरा पूरा रेशियो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू जो यहाँ पास दी हुई है, ये वाली और ये वाली लास्ट वाली जो है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो मैंने ये पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब आखिर वाली वैल्यू जो है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब शुरू की और लास्ट वाली वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब जो सेंटर वाली दो वैल्यूज हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कहलाती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2x प्लस के 5 से, और 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, 3x माइनस के 2 से। तो मल्टीप्लाई का बात है, 7 2 से क्या होता है 14x, 7 5 से क्या होता है 35, 5 3 से 15x, 5 2 से 10। एक्स की वैल्यू एक जगह कर लेते हैं, प्लस का 15 यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसी तरह माइनस का 10, प्लस का 35 दिया है इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आएगा तो माइनस का एक्स बचेगा यहाँ पे। 15 माइनस क्या हो जाएगा 14 माइनस का एक्स, क्योंकि बड़ी वाली क्या माइनस मौजूद है, माइनस माइनस प्लस कराएंगे तो आएगा माइनस का 45 ऐड करवाने पर। अच्छा जी, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगा 45 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पास 45, ये यहाँ पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पहले का आंसर। सेकेंड सवाल करते हैं, सेकेंड सवाल में हमसे क्या बोल रहे हैं, वही चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब यह है कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। देखें आप, इन दोनों वैल्यू को मैंने एक साथ लिख दिया और बीच में ब्रैकेट बना दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, आमने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे 7 दिया हुआ है, 7 अगर इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 7 4 से क्या हो जाएगा 28x हो जाएगा, 7 3 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसा ही है ना, माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया। 2 5 से क्या हो जाएगा, या 5 2 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4 3 से क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा यहाँ पे। 3 4 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही चीज़ है यार, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब यहाँ देखिए 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू से पहले आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड वैल्यू ना मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई लिख दूंगा 12 28x माइनस का 21, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके 12x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 28x से, 12 28 से क्या होता है 336x हो जाएगा यहाँ पे। 12 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 21 से, तो क्या हो जाएगा 12 21 से क्या होता है 252 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 120x। अब इन दोनों को वैल्यू को क्या कराऊंगा मैं, ये वाली वैल्यू यहाँ प्लस की हो रही है, ये वाली वैल्यू प्लस की, यहाँ पे लेके आ जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, और जो वैल्यू माइनस की है इक्वल टू से पहले आ जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को हमें अलग करना पड़ेगा, लेकिन एक्स की दोनों वैल्यू को पहले प्लस माइनस करवाएंगे हम। सो हम मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 वहाँ माइनस का था, सॉरी 252 वहाँ माइनस का था, यहाँ इज इक्वल टू से बाद लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। अब यहाँ देखिए 120 यहाँ प्लस का है, इज इक्वल टू से पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैं साइन चेंज करूंगा। 336 से माइनस कराऊंगा 120 तो आएगा 216x आ जाएगा,
216 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, इज इक्वल टू पे बाहर आएगा और डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको अगर डिवाइड करवाता हूँ, डिवाइड कराने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो 7 डिवाइड बाय 6 आएगी। आप 2 से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 7:6 या 7 डिवाइड बाय 6। नेक्स्ट वन आप क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं, वही चीज एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड किस तरह से करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू से और बीच वाली दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों वैल्यू को एक साथ मिला दिया और 5 और 4 इन दोनों वैल्यू को एक साथ मैंने मिला दिया, ऐसा ही है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को आपस में कट कर सकता हूँ, 2 1 2 2 2 4, इस तरह मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ करना चाहूँ तो, मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिया। अब यहाँ 2 बचे, 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा x से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा पहले इन दोनों वैल्यू से, मैंने बाद में मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। 2 लिख कर मैंने यहाँ पे x माइनस का 3 कर दिया और यहाँ पे x प्लस का 4 कर दिया, इज इक्वल टू 5 लिख कर मैंने यहाँ पे, 5 लिखने का मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है, अच्छा यहाँ भी देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 5/3। अब यहाँ पे 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐसा ही है, डिवाइड हो रही है वैल्यू, जब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है इज इक्वल टू पहले आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस के 6 से और x प्लस का 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है 5 से, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 2 6x हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 5x 5x 5 4 20 हो जाएगा। अब नंबर को एग्जॉय करते हैं, किस तरह करेंगे, प्लस का 5x है इज इक्वल टू से पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18 है इज इक्वल टू के बाद आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कराओगे तो 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1 दिखते नहीं है यहाँ पे, अच्छा 20 + 18 क्या हो जाएगा, 38। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पास, 38, तो यहाँ पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहे हैं वही चीज, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब फर्स्ट और लास्ट, और ये सेंटर वाली वैल्यू की कहलाएगी मीन कहलाएगी। इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैंने ब्रैकेट्स बना दिए यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आप नोट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे a माइनस का b यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मैंने इज इक्वल टू से पहले लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एज इट इज उतार दिया, मतलब इस वाली वैल्यू को इधर लेके आ गई हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह x a क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये जो वैल्यू है इसके लग गया फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर का, ये पूरी वैल्यू के इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को मैंने एक्सपेंड कर दिया। अच्छा जी, एक्सपेंड कर दिया मैंने फॉर्मूले को, अब यहाँ देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है एक्स से, मल्टीप्लाई हो रही है ना एक्स से, तो इज इक्वल टू से पहले आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स को यहाँ पे रहने दिया और ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे लेके आ गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल किसके होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के इक्वल होता है, सो ये आपको पता होना चाहिए, ये एज अ फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन ऑफ 4 हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि वही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ऐसा ही है ना, 11 माइनस के एक्स मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस के एक्स से, ठीक है, उसके बाद 8 माइनस का एक्स 25 माइनस का एक्स कह लें, या 8 माइनस का एक्स मल्टीप्लाई किससे होगा, 25 माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई होना, ठीक है। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से तो क्या आएगा, 176 आएगा, फिर 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स से तो क्या आ जाएगा, माइनस का 11x आ जाएगा। अब इसकी बारी है, माइनस के एक्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा 16 से तो माइनस का 16x आ जाएगा, माइनस का एक्स मल्टीप्लाई होगा दोबारा से एक्स से, तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसको भी करेंगे, 25 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो 200 आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा 25x, 8 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो माइनस का 8x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, बहुत ही आसान प्रोसीजर है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एड प्लस माइनस करवाते हैं, 176 आ गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 11x और 16x, प्लस करवाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 27x आएगा,
सही, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या माइनस मौजूद है और हम इसको ऐड भी करवाएंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया 200 आ गया, माइनस माइनस प्लस कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 33x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एलटी आ जाएगा। अब देखें, अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो है ना, मैं इज इक्वल टू से पहले लेके आ रहा हूँ, सबके साइन चेंज करूंगा। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर है, पहला एक्स स्क्वायर एलटी मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा ही वाला प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद आएगा, पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 27 आएगा, 27x आ गया यहाँ पे, फिर माइनस का 33x है, पहले आएगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया यहाँ पे, 176 है, प्लस का 176 आ गया यहाँ पे, अच्छा जी प्लस का यहाँ पे इज इक्वल टू से पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये वाले साइन मैंने चेंज नहीं करे, ये वाले साइन चेंज किया क्योंकि ये इसको मैं मूव करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ जीरो रह जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस के एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है ना। अब माइनस प्लस माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा, 6x आएगा, प्लस माइनस माइनस करवाएंगे माइनस का 24 आएगा, माइनस का 74 है इज इक्वल टू के बाद आएगा 24 हो जाएगा प्लस का, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के बाद आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6 6 4 से क्या हो जाएगा 24, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पास, 4 आ गई है। सो ये वहाँ पर एक्सरसाइज 18.1 वहाँ पर कम्प्लीट हो गई है। सो लाजमी इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, देखें इससे आगे एक्सरसाइज में आपको स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन अगर आपका अच्छा रिव्यू होगा तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।